कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के अंतर्गत बुधवार को मंडाप पंचायत में प्रशासन गांव के संघ व महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह, खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, तहसीलदार जगदीश प्रसाद शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष पूजा सिंह, पंचायत समिति सदस्य कुशल पाल सिंह, रेखा भारती, सरपंच राम प्रसाद गुर्जर समेत कई अधिकारी व जन प्रतिनिधि मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करते नजर आए। राजस्थान के 12 जिले के कवाई कस्बे में मंगलवार को श्री फूल माली समाज का 27वां सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान कुल 5 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। प्रकाश सुमन, मुरारी सुमन, प्रमोद सुमन ने बताया कि 27वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 5 जोड़ों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में समाज के बच्चे बच्चियों की शादी करवाते हैं, जिससे समाज का मिलन व एकता बनी रहे। प्रत्येक दर्शकों का कहना है कि इस विवाह सम्मेलन की व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे विवाह सम्मेलन में नहीं बल्कि घर की शादी में ही घूम रहे हों। लखीमपुर खीरी निघासन ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी कार्यशैली से नाराज ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक के गेट पर कर रहे धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि निघासन ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी की कार्यशैली से नाराज होकर निघासन ब्लॉक के प्रधान अध्यक्ष ने सभी पंचायतों के प्रधानों के साथ ब्लॉक के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमारे पर कोई दुविधा ज्यादा आ जाए तो उसे हमारी मदद क्या करेंगे? एक छोटा सा मामला, उसका निस्तारण दूसरे प्रधान को जानकारी में नहीं होना चाहिए था। तुरंत बैठा के इसको निपटाना चाहिए था। जिसकी गलती थी, हमारे प्रधान अध्यक्ष को बुलाया जाता, उसके बाद सब कुछ किया जाता। हमारे प्रधान जी को बोलने से पहले, मतलब सुनने से पहले आप लोगों ने मुकदमा लिख दिया। उत्तराखंड पिरान कलियर में तीसरे चरण का टीकाकरण सकुशल संपन्न हो गया। इमली खेड़ा MOIC सीनियर डॉक्टर दिल्ली रमन की अगुवाई में टीकाकरण सकुशल संपन्न हुआ। मेडिकल स्टाफ में डॉक्टर अरशद, डॉक्टर नाजिम, डॉक्टर रुखसाना, डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर राव अकरम, शादाब प्रवीण, रचना, अनुराधा शिल्पी, ज्योति आदि ने अपनी सेवाएं दी। 766 टीकाकरण का लक्ष्य था, जिसमें 5 हाजी गैर हाजिर रहे, बाकी सबको टीका लगवाया गया। अकरम साबरी मेंबर ने सभी हाजियों को मुबारकबाद दी और कहा, आप सभी की हज यात्रा सफल हो और वहां जाकर आप इबादत करें। इसी तरह आज तीसरे दौरे का तीसरा चरण का टीकाकरण संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रोडवेज बस ने वृद्ध महिला को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, रोडवेज को हिरासत में लिया गया, चालक फरार। अलीगढ़ से वापस अपने गांव नगला शेखू उसी रोडवेज बस में सवार होकर आई थी 50 वर्षीय महेंद्री। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे 91 स्थित गाँव मीरपुर का पूरा मामला। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में गर्मी के प्रचंड प्रकोप को झेल रहे लोगों को राहत पहुंचाने और छात्रों में सेवा भावना का बीज डालने के ध्येय को अग्रिम पंक्ति में रखने वाले विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सिरसागंज नगर इकाई ने जल मंदिर प्याऊ लगाने का पुनीत कार्य किया। ABVP की स्टूडेंट फॉर सेवा इकाई के द्वारा सिरसागंज नगर में लगाए गए प्याऊ का शुभारंभ उप जिलाधिकारी सिरसागंज श्री विवेक राजपूत जी ने किया। ABVP के जिला प्रमुख डॉक्टर नितिन मिश्र ने बताया कि छात्रों में माननीय गुणों को विकसित करने के लिए विद्यार्थी परिषद प्रति वर्ष SFS आयाम के द्वारा कार्य करती रही है। उसी भावना के साथ इस वर्ष सुमंगल मैरिज होम के सामने श्री राम मंदिर के बाहर जल मंदिर प्याऊ की शुरुआत की गई। नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि प्याऊ के कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों में शरबत का वितरण भी किया गया।
फिरोजाबाद जिले का जिला प्रमुख डॉक्टर नितिन मिश्रा और हमारे साथी गौरव शर्मा जी, हम सभी के द्वारा और हमारे पूरे सिरसागंज नगर की टीम के द्वारा आज जल मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थी परिषद 1949 में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष SFS सेवा के तहत, जिसे हम स्टूडेंट फॉर सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत प्रतिवर्ष छात्रों में सेवा के कार्यों का आगे एक समरूपता के साथ आगे ले जाया जाता है, जिसमें जल मंदिर यानी कि प्याऊ का एक कार्यक्रम होता है जो प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं, और उसी के तहत इस बार भी हम लोगों ने प्याऊ का कार्यक्रम किया, जिसका शुभारंभ सिरसागंज नगर के उप जिलाधिकारी महोदय ने किया। और ये कार्यक्रम एक औपचारिकता मात्र नहीं है, आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ है, और इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिरसागंज नगर इकाई सिरसागंज नगर में और भी जगह जल पात्रों को रखने का, घड़ों को रखने का, प्याऊ लगवाने का कार्य करेगी, और साथ साथ एक और अभियान का आरंभ किया जा रहा है जिसको पक्षियों के लिए पक्षी बचाओ अभियान है, जिसमें पक्षियों के लिए जल पात्र रखने का और साथ साथ दाने की व्यवस्था करने का सभी छात्रों से आग्रह करते हैं, और सभी छात्र अपनी अपनी छतों पर वो कार्य निरंतर करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के राघोगढ़ शाखा के जाने माने शाखा प्रबंधक महोदय जी आदरणीय ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया जी का विदाई समारोह राघोगढ़ शाखा में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम राघोगढ़ शाखा के स्टाफ हुए भावुक। आदरणीय शाखा प्रबंधक जी ने शाखा के समस्त कर्मचारियों को हमेशा खुश रखा, इस कारण शाखा के सभी कर्मचारी उनकी विदाई समारोह में भावुक हो गए। आदरणीय शाखा प्रबंधक जी को नवीन शाखा गुना में उनका स्थानांतरण हो गया है। राघोगढ़ शाखा को ऑल इंडिया में पहचान दिलाने वाले शाखा प्रबंधक महोदय श्रीजी एस भदौरिया जी का विदाई समारोह का आयोजन 16/5/2023 अपराह आयोजित किया गया। शाखा प्रबंधक श्री जी एस भदौरिया जी का एक ही नारा, राघोगढ़ नंबर अभिकर्ताओं में नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हर दिल। अजीज शाखा प्रबंधक साहब को इस विदाई समारोह में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर ग्वालियर मंडल में राघोगढ़ शाखा का परचम लहराएं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।